पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। नींद की गोलियां कितनी लेनी चाहिए और ये हमें कहाँ तक लेके जा सकती हैं, हमारी लाइफ में कितनी परेशानी को ऐड कर सकते हैं आज बात करते हैं इसी टॉपिक पे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फतिहा अशरफ, मैं कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो है स्लीपिंग पिल्स की एडिक्शन। स्लीपिंग पिल्स को कितना लेना चाहिए और किस वक्त लेना चाहिए, ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसकी क्वांटिटी हद से बढ़ जाए तो इंसान को ये मौत तक लेके जा सकती है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी एक एग्जांपल, अपना एक केस शेयर करूँगी। एक पेशेंट थे, वो सवात से थे, वो सवात में तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर रहते थे, उन्हें हाइट से फोबिया था। अब सवात में रहते थे, पहाड़ों से दूर रहना ये भी नामुमकिन था, उनको हाइट से फोबिया था, और इसके अलावा वो मिस्त्री का काम करते थे। एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उन्हें एक स्लीपिंग पिल दिख दी। उन्हें नहीं पता था पेशेंट को कि ये स्लीपिंग पिल है, उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दी और एक दो दिन लेते रहे। जब वो इस्तेमाल करते थे, उन्हें लगता था कि उनकी घबराहट ख़त्म हो गई, उन्हें किसी किस्म की बेचैनी नहीं थी, लेकिन एक्चुअल में उन्हें क्या था, हाइट फोबिया था। स्लीपिंग पिल से उनकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो गई। 1 साल 2 साल उन्होंने वो स्लीपिंग पिल यूज़ करी, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उसकी तादाद बढ़ा दी। पहले एक गोली लेते थे, फिर 2 हो गई 3 हो गई, फिर 1 पत्ता, फिर 2 पत्ता, फिर 4, और फिर 2.5 से 3.5, 5.12, और एट दी एंड इतनी लेनी स्टार्ट कर दी कि वो ब्लैक में लेते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स कोई भी मेडिकल स्टोर वाला या कोई भी फार्मासिस्ट आपको ओपन नहीं देते। और वो थे भी मिस्त्री, उनकी तकरीबन सारी की सारी इनकम जो थी वो उनकी स्लीपिंग पिल्स पे लग जाती थी, लेकिन अगर वो नहीं यूज़ करते थे तो उनको बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गई। एक दिन इस तरह हुआ कि उनको जो है वो खाने के भी भूख की वजह से खाने के भी लाले पड़ गए, तो उन्होंने मुहर्रम पे जो है मन्नत मांगी कि मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो स्लीपिंग पिल्स नहीं यूज़ करूँगा। और वाकई ही उन्होंने दिल से मन्नत मांगी और दोबारा कभी स्लीपिंग पिल यूज़ नहीं की। लेकिन उन्होंने जब स्लीपिंग पिल्स को क्विट किया, छोड़ा, जैसे कि कोई भी अल्कोहल को छोड़ता है तो उसके बॉडी में बहुत से विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, तो उनको भी काफ़ी परेशानी हुई। तो उन्होंने दोबारा किसी साइकेट्रिस्ट से कंसर्न किया, साथ मुझसे भी काउंसलिंग ली। जब उनकी काउंसलिंग की तो पता चला कि ये सिर्फ और सिर्फ स्लीपिंग पिल्स से था, उनको मालूम भी नहीं था कि स्लीपिंग पिल्स से है। इसलिए एट दी एंड मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छी एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए कि अपनी तकरीबन नींद को जो है वो हेल्दी तरीके से पूरी करने की कोशिश करें, कभी भी स्लीपिंग पिल्स को ना लें, क्योंकि स्लीपिंग पिल्स सिर्फ एक नशा, एक एडिक्शन है। अगर आप 1 लेंगे 2 लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तादाद बढ़ जाती है। ये इतना इंटरेस्टिंग केस था कि मैंने खुद बाद में स्लीपिंग पिल्स पर रिसर्च की कि डॉक्टर्स जो है वो किन लोगों को स्लीपिंग पिल्स जो है वो रिकमेंड करते हैं, और मेरे सामने 3 किस्म के लोग आए। फर्स्ट, वो होते हैं जिनको स्लीपिंग पिल्स दी जाती हैं लेकिन वो लेते नहीं हैं, वो कहते हैं कि हम इतने भी कमज़ोर नहीं हैं कि हम नींद की गोलियां लेकर हमें नींद आए। सेकंड, वो टाइप्स होती हैं जिनको स्लीपिंग पिल्स और बाकी तमाम अद्वियात दी जाती हैं। अक्सर क्लाइंट मेरे पास भी आते हैं, वो तमाम गोली, जितनी भी गोलियां डिप्रेशन के रिलेटेड जो भी हैं वो सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन स्लीपिंग पिल्स नहीं छोड़ते। उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हाँ हाफ ले रहे हैं या बहुत कम क्वान्टिटी में ले रहे हैं। मतलब वो अपने माइंड को कहीं ना कहीं सेट कर देते हैं कि मैंने आज गोली खाई है तो मुझे नींद आएगी, अदरवाइज मुझे नींद नहीं आएगी, उनका माइंड जो है वो सेट हो जाता है। थर्ड, वो लोग हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तादाद को बढ़ा देते हैं कि उन्हें 1 गोली से स्टार्ट करवाया जाता है, लेकिन वो बाद में उसको टॉफिस की तरह यूज़ करते हैं, 3, 4, और एट द एंड ब्लैक में लेना शुरू कर देते हैं। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी कि किस तरह हम अपनी नींद को हेल्दी तरीके से पूरा कर सकते हैं, अपने स्लीप के इश्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, और कैसे नींद की कमी से हमें बहुत से दूसरे भी ज़हनी अमराज होते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।